हेलो बच्चो लेट्स रीड द क्वेश्चन द क्वेश्चन सेज इस कैन बी यूज ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन वन जीन सीक्वेंसिंग ऑप्शन टू पॉलीमरेज इन रिएक्शन ऑप्शन थ्री जीन साइलेंसिंग ऑप्शन फोर ऑटो रेडियोग्राफी क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ट्रांसपोसोम्स गिवन ऑप्शन में से कौन सी प्रोसेस में या कौन सी कौन सी टेक्निक में यूज किए जाते हैं इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें सबसे पहले तो key concept की कॉन्सेप्ट की सो द की कॉन्सेप्ट हेयर विल बी ट्रांसपोसोन्स सबसे पहले देखते हैं कि ट्रांसपो क्या होता है ट्रांसपो को हम जंपिंग जीन्स भी कह सकते हैं ये क्या होते हैं जीन्स अब इन्हें जंपिंग जीन्स क्यों बोलते हैं बिकॉज ये अपनी पोजिशन से मूव कर सकते हैं ये क्या है हमारे दीज आर मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स जो अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं अब अगर बात करें आरएनए इंटरफेरेंस की तो आरएनए इंटरफेरेंस क्या है आरएनए इंटरफेरेंस है एक नेचुरल सेल्युलर डिफेंस मैकेनिज्म। इट इज अ नेचुरल सेल्युलर डिफेंस मैकेनिज्म और इस सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म में क्या होता है एट पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल एट पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल क्या होता है जीन साइलेंसिंग होती है इसमें हम एमआरएनए की जीन साइलेंसिंग करते हैं जीन साइलेंसिंग का मतलब क्या हुआ कि हम एम आर एन ए के एक्सप्रेशन को स्टॉप कर देते हैं इसके एक्सप्रेशन को हम क्या कर देते हैं इसे स्टॉप कर देते हैं एंड ये एक्सप्रेशन स्टॉप कैसे होता है बिकॉज ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आर एन ए ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डी एस यानी कि डबल स्टैंडर्ड आर एन ए अब जो कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आर एन ए हैं वो इस अनडिज़ायरेबल एम आर एन ए के एक्सप्रेशन को स्टॉप कर देता है और ये जो डबल स्टैंडर्ड आर एन ए हैं इसके सोर्सेस क्या हो सकते हैं सोर्सेस क्या होंगे इसके फर्स्ट सोर्स हो सकता है इसका एक आर एन ए वायरस की आर एन ए वायरस से हमारे पास एक आरएनए बना विद सेंस एंड एंटी सेंस स्ट्रैंड जो डबल स्ट्रैंडेड बना लेता है स्ट्रक्चर अपना जो फर्दर डाइसर एंजाइम के साथ एक्ट करके एमआरएनए की साइलेंसिंग करता है और इसका दूसरा सोर्स हो सकता है हमारे ट्रांसपोसॉन्स तो हम यहां से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ट्रांसपोसॉन्स होते हैं वो कौन सी प्रोसेस में काम आते हैं हमारे इन जीन जीन साइलेंसिंग तो हमारे पास जो ऑप्शन है अगर हम वो ऑप्शन देखें इनमें से ऑप्शन वन तो रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज जीन सिक्वेंसिंग में हम क्या कहते हैं एक जीनोम में न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस डिटरमाइन कर दें जिसमें ट्रांसपोसोन्स की जरूरत नहीं होती है ऑप्शन टू पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी रॉन्ग होगा बिकॉज इसमें हम क्या करते हैं एक डीएनए के फ्रेगमेंट को एम्पलीफाई करते हैं और उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाते हैं जिसमें ट्रांसपोसोन्स की जरूरत नहीं होती है हमें ऑप्शन थ्री यहाँ पर हमारा करेक्ट है एंड ऑप्शन फोर भी रॉन्ग होगा बिकॉज ऑटो रेडियोग्राफी में हम हाइब्रिडाइजेशन टेक्नीस को यूज़ करते हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक जीन हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर थ्री जीन साइलेंसिंग आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल बेस्ट ऑफ लक थैंक यू